हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज डे 6 है हमारी लद्दाख राइड का, और आज का रूट है हमारा नुब्रा वैली के लिए। अभी पेट्रोल रिफिल करवा लिया ऑलमोस्ट सबने। मैंने भी नहीं खाया, खाया नहीं मैंने, डायमोक्स नहीं खाया। सो गाइस, अभी आज का जो रूट है हमारा नुब्रा वैली के लिए है, ले टू नुब्रा वैली। और लेटू नुब्रा वैली के बीच में एक हारदुंगला पास पड़ता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन दी वर्ल्ड है अभी के टाइम में। और वहाँ पर मोस्टली लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो क्या उसके लिए एक मेडिसिन आता है डाइमोक्स के नाम से, जिसको लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको डाइमोक्स खा लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। वैसे तो मैंने खाया नहीं है, बट अगर मुझे कोई इश्यू लगता है तो मैं भी खा लूँगा। पेट्रोल रिफिल करा लिया है और जेरी कैन में कैरी भी कर लिया पेट्रोल एक्स्ट्रा, और अभी हम निकल रहे हैं नुब्रा वैली के लिए। ये कुछ लपटाने को चाहिए, इसमें नहीं खुल के लटक सकता इसे। हाँ नहीं, ये निकल जाए। ठीक है ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं नुब्रा वैली के लिए। और नुब्रा वैली का जो टूर है वो काफ़ी अभी हैवी होने वाला है, क्योंकि हम जाएंगे वाया खारदुंगला पास। हम कदर लाहा हक्का कदरी ही वाला अर्जी जमीन का आजाद हुई उम्र की आमती है समवार। अपना बैकअप व्हीकल भी आ गया है, सारा लगेज आज हमारा इसमें डाल दिया है हम लोगों ने, ये देख सकते हो राइट साइड में बैकअप व्हीकल है हमारा। इसमें हमारा एक मैकेनिक भी साथ में हमारे जाएगा, आज से लेकर मतलब नेक्स्ट से 5 to 6 days तक हमारे साथ ये बैकअप व्हीकल भी रहेगा, और क्या नाम है ये एक मैकेनिक भी हमारे साथ रहेगा पूरे ले सिटी के पूरे टूर के लिए, मतलब ले के आसपास जितने भी टूर है उसके लिए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं नुब्रा वैली के लिए। आज का जो नुब्रा वैली का जो डिस्टेंस है अराउंड ले सिटी से 100 something किलोमीटर है, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। और अभी सुबह के हो रहे हैं 9:30 का टाइम हुआ है ऑलमोस्ट, धूप निकली हुई है इस टाइम, वेदर अच्छा है, मतलब नॉर्मल वेदर है, ठंड भी है मतलब अच्छी खासी। और आज हमें क्रॉस करना है खारदुंगला पास, जो कि दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है आज के टाइम में। तो वहाँ पर भी हमें स्नो मिलने के चांसेस है, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी लो मिल सकता है, तो इसलिए जैकेट वगैरह भी मैंने ऊपर निकाल लिया है। बाकी सारा सामान तो उसमें लगे बैकअप व्हीकल में डाल दिया है, पर उसमें से कुछ जैकेट वगैरह मैंने डिक्की में डाल दिया स्कूटी की, अगर ठंड लगता है तो वो मैं पहन लूँगा। और रेनकोट भी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि बारिश का ही मिलने का चांस है क्योंकि लोग बता रहे हैं। बाकी डाइमोक्स का कैप्सूल काफ़ी लोगों ने खाया है, बट मैंने नहीं खाया है क्योंकि मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लग रहा है। बाकी एक चीज़ और भी है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप ले से नुब्रा वैली के लिए जाओगे तो आपको पेट्रोल भी कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि ले से नुब्रा वैली तक कोई भी पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा, और नुब्रा वैली में भी ओनली 2 पेट्रोल पंप है, और वहाँ पर भी पेट्रोल का शॉर्टेज रहता है। मतलब ये है कि अगर 2 पेट्रोल पंप है तो आप ये मत मान के चलो कि वहाँ पर पेट्रोल मिलेगा ही मिलेगा, कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पेट्रोल नहीं मिलता वहाँ पर बिल्कुल भी, मतलब 2-3 दिन तक पेट्रोल भी गायब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर पेट्रोल जाता है और अगर रोड्स वगैरह क्लोज हो जाते हैं तो वहाँ पर पेट्रोल टाइम से नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए आप ये मतलब पहले से ही श्योर हो जाओ इस चीज़ के लिए कि आपको पेट्रोल कैरी करना ही है जेरी कैन में, चाहे एक कैन लेके जाओ चाहे 2 कैन लेके जाओ, वो अपनी व्हीकल के अकॉर्डिंग मतलब चलाने के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, कैरी कर सकते हो। तो जी अभी थोड़ा 15-20 किलोमीटर आ चुके हैं ऑलमोस्ट, और थोड़ा हाइट पर आ चुके हैं। अभी ले सिटी भी समझ लो ख़त्म ही होने वाला है, अभी हम हाइट पर चढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं पहाड़ों पे।
ये देख सकते हो लेफ्ट साइड में पूरा ले सिटी है नीचे। अभी थोड़ा हाइट पर आ गए अभी हम लोग, और देख सकते हो दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ है, इस के माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, और ये पूरा ले सिटी है एग्जैक्टली टोटल नीचे जितना भी है। दोस्तों रोड तो आप देख ही सकते हो बहुत अच्छा रोड है, काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है यहाँ का भी अभी। और अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं एकदम खारदुंगला पास की। खारदुंगला पास ले सिटी से एग्जैक्टली अराउंड 35-40 किलोमीटर पड़ता है अराउंड। इसलिए किस लिए? ये यहाँ पर कुछ है, क्या हुआ? आरसी और लाइसेंस दिखाइए। यहाँ पर कुछ चेकिंग चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ये आरसी और लाइसेंस की डिमांड कर रहे हैं कुछ, मतलब ये एक चेक पोस्ट एक टाइप का। यहाँ पर दिखा सकते हैं कहीं से नहीं है, सिर्फ फॉर सेफ्टी पर्पज यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं। लो भाई भैया लो लाइसेंस और आरसी। सो गाइस जब आप ले से नुबरा वैली के लिए जाओगे खारदुंगला पास वाया खारदुंगला पास, तो ले सिटी से 15-20 किलोमीटर ऊपर आने के बाद एक चेक पोस्ट आता है। यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी गाड़ी की, और यहाँ पर चेकिंग जो होगी वो आपकी चेक ये होगा कि आप जो गाड़ी व्हीकल लेकर जा रहे हो वो आपके खुद के नाम पर है या नहीं। अगर आपके खुद के नाम पर नहीं है, आप किसी और की आप गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो आपको चाहिए होगा NOC लेकर आना पड़ेगा आपको। मतलब आप जब भी आप आओ, अगर आप किसी और की अपने फ्रेंड की अपने किसी रिलेटिव की गाड़ी लेकर आ रहे हो, इवन अपने अगर सगे भाई की भी गाड़ी लेकर आ रहे हो, तो भी आप NOC कैरी ज़रूर करना। विदाउट NOC आपको एंट्री नहीं देंगे ये लोग। अगर आपकी खुद की व्हीकल है तो आप सिर्फ ID वगैरह चेक करेंगे, RC और लाइसेंस चेक करेंगे और आपको जाने देंगे। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है यहाँ पर, बस यही यहाँ पर चेक होता है। बट अगर आपकी गाड़ी नहीं है, किसी और की गाड़ी आप कैरी लेकर आ रहे हो, तो आप ये ज़रूर वो करना कि आप NOC लेकर आओ, अदरवाइज़ यहाँ से आपको वापस जाना पड़ेगा। आपको फिर NOC दोबारा लेकर आना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिलेगी ओनली। Thumb to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by thumb to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go.
बंद हो गया बंद। तो एक भाई हमारे बॉम्बे से डोमिनर है उसकी, वो उसकी गाड़ी जो है बंद हो गई है पीछे, तो वो अभी चेकअप हो रहा है उस गाड़ी का, मैकेनिक चेक कर रहे हैं कि क्या इशू है, तो इसलिए हम सब लोग अभी स्टे कर रहे हैं यहाँ पर, रुके हुए हैं। तो अभी कम से कम 20-25 मिनट यहाँ पर लग गए हमारे वो गाड़ी को चेक करने में, तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अभी हम चल पड़े आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए अनुपुर हवेली की तरफ। और अभी हम चढ़ाई चढ़ ही रहे हैं खारदुंगला पास की, खारदुंगला पास अराउंड शायद 10-12 किलोमीटर रह गया बस यहाँ से अभी। आ चुके हैं हम लोग, अभी यहाँ से 8-10 किलोमीटर ही रह गया है लगभग शायद खारदुंगला पास। और ठंड अच्छी खासी हो रही है यहाँ पर, मतलब विंड जो है ना बहुत तेज़ लग रही है गाड़ी चलाते हुए, और वेदर देख सकते हो आप, नीला नीला आसमान, बादल ही बादल, और ये खूबसूरत पहाड़ और प्यारा सा रोड, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। यहाँ पर जो है ना गाड़ी ज़्यादा पिकअप नहीं ले पा रही है, 20-30 की स्पीड पर ही चल पा रही है, क्योंकि चढ़ाई है यहाँ पर ज़्यादा अच्छी खासी चल रही है। आप माउंटेन्स की रेंज देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो माउंटेन्स की रेंज पूरी, आपको क्लियर दिख रहा होगा एकदम, ये पूरा सारा माउंटेन्स ही माउंटेन्स है एकदम लेवल में हमारे इस टाइम, और सब पे जो है ना स्नो ही स्नो है,
और देख सकते हो ऊपर में धूप पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, तो अलग ही शाइनिंग मार रहे हैं लोग, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दूध पड़ा हुआ है। और वो है ले सिटी नीचे पूरा। बाकी अभी हम लोगों का रास्ता ये है, ये सब गाड़ियाँ हमारी खड़ी है यहाँ पर, इधर भी देख सकते हो आप, उधर भी जगह जगह ऐसे ही इस टाइप का ही पहाड़ हमें मिलने वाला है आगे अभी, जो कि खरदुंगला पास होगा आई गेस, वो हो सकता है। अभी और ऊपर जाना है हमको, ताकि मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ अभी। मुझे अभी 15-20 मिनट का ब्रेक लिया हमने, एक छोटा सा जहाँ पर आपको वीडियो भी शूट करा, थोड़ा सा फोटोज़ वगैरह क्लिक करे वहाँ पर, वहाँ से ले सिटी भी दिख रहा था क्लियरली, बहुत छोटा था, मतलब काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं हम लोग अभी, इस वजह से तो अभी चल पड़े आगे। खरदुंगला पास 6-7 किलोमीटर ही रह गया है बस यहाँ से, अब ज़्यादा नहीं रह गया। और हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, देख सकते हो आप पहाड़ दिख रहे होंगे आपको शायद, के ऊपर को चढ़ रहे हैं अभी हम वो, और यहाँ पर गाड़ी पिकअप नहीं ले पा रही है, देख सकते हो स्कूटी का जो इस टाइम स्पीड आ रहा है 20-30 तक आ रहा है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है स्कूटी। तो जी एक चेक पोस्ट और पड़ा था वहाँ पर, गाड़ियों की एंट्री होती है, मतलब वहाँ पर गाड़ी का व्हीकल नंबर, नाम, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें मेंशन कराना पड़ता है कि भाई कौन सी गाड़ी तेरे को जा रही है, खरदुंगला की तरफ जा रही है, तो उसकी एंट्री होती है, मतलब एक टाइप की बस सिंपल। तो वहाँ पर भी 5-10 मिनट लगा अभी हमें, उसके बाद आगे चल पड़े हैं अभी। तो दोस्तों ये देख सकते हो सामने आप, बिल्कुल माउंटेंस पे देख सकते हो, स्नो कैप्ड माउंटेंस, बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है इस टाइम। मुझे नहीं पता कि कैमरे में कितना कैप्चर हो पा रहा है, पर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, वाइट ही वाइट एकदम। अब यार सोच सकते हो आप लोग यार, इस टाइम दिल्ली जैसे एरिए में या बॉम्बे में, मतलब या सिटी जितना भी जो शहर है वहाँ पर सब जगह इस टाइम गर्मी है। दिल्ली में इस टाइम 47-48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इस टाइम भी इतनी बर्फ़ है, तो सोच सकते हो यार विंटर में कितना बुरा हाल होता हुआ यहाँ पर। ये देखो दोस्तों राइट साइड में देखो मेरे, अभी स्नो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये सारा बर्फ़ है, स्नो है, देख सकते हो कितना स्नो है यार, कितना स्नो यार, कितना ऊपर वाले की क्या कुदरत है यार, ये भी है, मतलब एक जगह इतनी गर्मी चल रही है इस टाइम और एक जगह इतनी बर्फ़ पड़ गई, बताओ यार। और इस टाइम ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं, मैंने जैकेट भी पहन रखी है अपनी वैसे तो, और रेनकोट भी पहन लिया है मैंने, क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा यार सीरियसली। यहाँ पर देख सकते हो सामने क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है सीरियसली यार, इनक्रेडिबल, गजब का नज़ारा है, गजब का भाई साहब, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स इस टाइम के, मैं कितना खुशी महसूस कर रहा हूँ यार इस टाइम सीरियसली। कभी सोचा नहीं था कि स्कूटी लेकर मैं यहाँ पर आ पाऊँगा, खरदुंगला पास जो कि दुनिया में 2nd नंबर पर आता है आज के टाइम में मोटरेबल रोड वर्ल्ड में पूरे, बताओ यार सीरियसली यार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है खूबसूरत। अभी यहाँ पर स्कूटी का जो पिकअप है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 20-30 इतनी ही स्पीड पर चल पा रही है गाड़ी, बस ओनली इससे ज़्यादा नहीं चल पा रही इस टाइम बिल्कुल भी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पर हैं इस टाइम हम, क्योंकि जो खरदुंगला पास है वो भी अराउंड 17,000 समथिंग फीट पर है, मतलब एग्जैक्टली। तो यार उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस टाइम, मतलब अभी भी इस टाइम हम जो गाड़ी चला रहे हैं इस टाइम चल रही है आई थिंक 15-16,000 फीट के अल्टीट्यूड पर इस टाइम स्कूटी चल रही है मेरी, तो यार इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने हाई अल्टीट्यूड पर हैं इस टाइम, तो इस वजह से गाड़ी भी पिकअप नहीं ले पा रही है। पर ये खुशी है कि धन्नों में कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी भी, भले ही गाड़ी स्लो चल रही है, हल्की स्पीड में चल रही है, पिकअप कम ले रही है, बट बंद नहीं हुई अभी तक कहीं भी, चल रही है, बस इतनी चलती रहे वो भी काफ़ी है, पहुँच ही जाएंगे धीरे धीरे, कहीं की जल्दी नहीं है हमें। और इस टाइम देख सकते हो लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा डीप वैली है एकदम, मैं दिखा भी नहीं सकता आपको कि मैं, मुझे डर भी लग रहा है देखने में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप है एकदम। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ रोड भी आ गया है, अभी ऑफ रोड का पैच आ गया है यहाँ पर, मतलब ये रोड जो है ना ख़राब हुआ है बारिश की वजह से, स्नो की वजह से और पानी बहने की वजह से रोड पे, इस वजह से ये रोड ख़राब हुआ है, वरना ये रोड भी बना हुआ था वो बता रहे थे मेरे को कुछ लोग यहाँ पर,
तो आगे भी रोड बना हुआ है वैसे, मतलब बीच बीच में इस टाइप के पैचेस मिलेंगे अभी हमें खराब थोड़े से ऑफ रोड टाइप के। यहाँ पर इतनी ठंड है यार कि मुझे दो दो ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि हाथों पे डायरेक्ट हवा लग रही है आगे से स्कूटी चलाते हुए। तो हाथों में दोनों दो ग्लव्स पहनने के बावजूद भी जो है ना मेरे हाथों में जो है ना हवा पार हो रही है एकदम, बहुत ठंड लग रही है क्योंकि इतनी ठंड है, इतनी ऊँचाई पर है इस टाइम हम लोग, और यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत पड़ी हुई है इस टाइम इस वजह से। पहुंच चुके हैं खालुंगा गोपा कैफे, और ये है खारदुंगला। फाइनली वी आर एट खारदुंगला टॉप। यस, ये अभी आप फोटो शूट कराएंगे यहाँ पर। सो गाइस फाइनली खारदुंगला पास पे पहुंच गया हूँ मैं यार, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ 17,400 कुछ फीट के एल्टीट्यूड पर, जहाँ पर खारदुंगला है। और अभी ये सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, देख सकते हो मेरे आगे बाइक्स स्कूटर और कार सब लाइन में लगे हुए हैं ये फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए, तो हम भी लाइन में लग गए आकर। ये देख सकते हो आप लोग, दिस इज़ कॉल्ड खारदुंगला पास, वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये है वर्ल्ड के टॉप पर इस टाइम हम। भाई दोन मिनट यहाँ पर लगभग 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं इस वजह। सांस थोड़ा फूलने लगा यहाँ पर हमारा, तो अभी नीचे चलते हैं। स्नो इतना जमा गया, जमा पड़ा है ये बहुत ज़्यादा। थोड़ा सांस फूल रहा है यहाँ पर, बा
दोस्तों खारदुंगला पास से नीचे उतर चुके हैं और उतर ही रहे हैं, बल्कि अभी तो उतरना स्टार्ट ही किया है। और देख सकते हो लेफ्ट साइड में कितनी बर्फ यहाँ पर जमी पड़ी है, जगह जगह देख सकते हो। और रोड कितना ख़राब हुआ पड़ा है, ऑफ रोड ये सारा ऑफ रोड हुआ पड़ा है इस वजह से, क्योंकि बर्फ़ जब पिघलती है तो सारा रोड पर पानी आता रहता है पिघल पिघल के, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो ये पानी पड़ा हुआ है कितना, तो पानी से रोड पूरा ख़राब हो जाता है। और देख सकते हो दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये लेफ्ट साइड में देख सकते हो कितना ऊँचा। ये तो अभी इस टाइम सब जगह गर्मी है तब ये इतना ऐसा हाल है, सर्दियों में बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पर, मतलब ये रोड पूरा ही बंद रहता है। कितना इतना है, आप देख सकते हो कि हम नुब्रा वैली पहुंच चुके हैं। पीछे हमारे कुछ भाई लोग जो हैं वो पेट्रोल फिल कराने भर रुके, बाकी अपने पास तो पेट्रोल अभी हैगा और अपन ने भी पेट्रोल कैरी भी कर रखा है जेरी गन में ये रहा, तो अपनी कोई ज़रूरत नहीं है, कल देख। बाकी देख सकते हो अब ये सारा रेगिस्तान है पूरा, इसको ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं, बाकी ठंडे रेगिस्तान दोनों तरफ पहाड़, पहाड़ों के बीचों बीच में ये रेगिस्तान, ये देख सकते हो ये पूरा रेगिस्तानी एरिया पूरा। तो ये पेट्रोल जहाँ पे फिल करवाया था उसके बाद सब लोग निकल चुके हैं अभी आगे हुंदर के लिए। नुब्रा वैली एक बहुत बड़ी जगह है और हुंदर एक छोटा सा गाँव समझ लो, मतलब आप जहाँ पर हमारा होटल है आज, तो वहीं पर हम जा रहे हैं अभी। पेट्रोल जिसको फिल करवाना था उन्होंने करवा लिया, एक पेट्रोल पम्प पीछे पड़ा था जहाँ पर उन्होंने सब लोगों ने फिल करवाया है, और एक पेट्रोल पम्प हुंदर में पड़ता है। ये दो ही पेट्रोल पम्प है ओनली पूरे नुब्रा वैली में, और कहीं पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो लग भाई जहाँ तीन लोगों को पेट्रोल मिल रहा है आज, पर मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल मिलता नहीं है यहाँ पर, मतलब वेट करना पड़ता है कई कई घंटों के लिए कभी कभी, और कई दिन भी वेट करना पड़ता है जब गाड़ी खुल जाती है। बाकी देख सकते हो नज़ारा अब अच्छा है काफ़ी, रेगिस्तान है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पहाड़ है ऊँचा सा, और राइट साइड में डीप वैली है और नदी भी वैली है एक प्यारी सी। तो ये होटल भी अपना आने वाला है अराउंड 15 से 20 किलोमीटर शायद अराउंड होटल रह गया हमारा, और रात होने वाली है अभी एकदम, सूरज भी छुप गया है ऑलमोस्ट, जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं अंधेरे से, अंधेरा होने से पहले वरना दिक्कत होगी रात को गाड़ी चलाने का। जब हुंदर जाते हैं तो हुंदर जाते हुए डिस्किट मोनेस्ट्री पड़ती है, जो आप लोगों ने आज का मतलब रील्स वगैरह पे इंस्टाग्राम पे देखी होगी, जो काफ़ी बड़ी एक स्टैचू बना हुआ है, वो स्टैचू डिस्किट मोनेस्ट्री का ही है। तो वहाँ पर गए थे अभी हम लोग, पर वो बंद हो गया, 3-4 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है, मतलब हुंदर के रास्ते में पड़ती है वो, तो हमने सोचा कि अभी उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, पर वो बंद हो गया। अभी उसका टाइमिंग होता है 5:30-6 बजे का क्लोज होने का, तो अभी हम सीधा होटल जा रहे हैं, अभी हमने जाकर चेक इन करेंगे और रेस्ट करेंगे, कल मॉर्निंग में जाएंगे डिस्किट मोनेस्ट्री। नाम नहीं पता क्या था, नाम नहीं।